कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 9, 3 संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलकर मिर्जापुर कानपुर सेंट्रल के रास्ते नई दिल्ली जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ स्पेशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज बहुत ही खास ट्रेन की हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं और अभी मैं हूँ पटना बिहार में और इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल और हमारी जो ट्रेन है वो है 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो चलिए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी और आज का ये ब्लॉग। और स्टेशन के अंदर आते ही देखने मिली राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, माफ़ कीजिएगा, तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हमारी जो ट्रेन है संपूर्ण क्रांति वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये ट्रेन निकलेगी 7:10 पर और इसके पीछे पीछे हम निकलेंगे 7:25 पर। तो अगर आप इस ट्रेन का भी ब्लॉग देखना चाहें तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस ट्रेन का ब्लॉग अपने चैनल पर देखना पसंद करेंगे या नहीं। मैं बहुत जल्द सोच रहा हूँ इस ट्रेन को भी कवर करने का। मैंने अब तक एक तेजस राजधानी की है, दैट इज़ अगस्त क्रांति। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं और कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि राजेंद्र नगर वाली राजधानी यानी पटना राजधानी को भी आप ब्लॉग कीजिए तो मैं ज़रूर से इस तेजस राजधानी को भी कवर करूँगा। अभी के लिए चले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। हमारी जो ट्रेन है संपूर्ण क्रांति वो आके लग चुकी है तो अब चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और फिर आगे बात करते हैं। और ये सनसेट आप देख के समझ सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। राजेंद्र नगर टर्मिनस पे मैं खड़ा हूँ और शाम के वक्त जो सनसेट है वो देखने को मिल रहा है। वो रही अपनी संपूर्ण क्रांति और ये है तेजस राजधानी। बट दिस सनसेट यार अमेजिंग। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तो आ चुके हैं जहाँ पर हमारी संपूर्ण क्रांति लगी हुई है। आज हम जर्नी करने वाले हैं 3rd AC में और जो मेरी सीट है वो है अपर बर्थ 46 नंबर। तो चलिए पहले कोच में चलते हैं, कोच दिखा देता हूँ थोड़ा सा और फिर बात करते हैं आगे। तो ये रहा अपना कोच B3, बिल्कुल खाली है अभी तो क्योंकि कोई भी पैसेंजर्स बोर्ड नहीं हुआ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्टन्स जो है वो आ चुके हैं। आई नो आई एम वेरी लेट, आपने कई सारी वीडियोस में देख लिया होगा बट स्टिल दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी तो मैंने आपको बता दिया। और 46 इज आई थिंक हियर, ये रही अपनी सीट अपर बर्थ। इंटीरियर में यहाँ पर आपको दो हुक चार्जिंग सॉकेट जो है वो सफिशिएंट मिल जाएंगे सभी लोगों के लिए। 3rd AC है तो ऊपर बीच में एक सीट रहेगी और नीचे लोअर यानी लोअर मिडल एंड अपर, साइड में दो ही सीट, साइड लोअर साइड अपर। इसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन मिली नहीं मुझे, बट कोई ना, चलिए बैग रखते हैं और फिर बाहर चलते हैं। और अगर आप बात करें 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की तो इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी आज से तकरीबन 20 साल पहले यानी 17 फरवरी 2002 को। और ये ट्रेन दिल्ली से लेके पटना के बीच में डेली चलने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन है। और इसके टाइमिंग की अगर बात की जाए तो राजेंद्र नगर टर्मिनस यानी पटना से हम निकलेंगे शाम को 7:25 पे और सिर्फ 4 होल्ड लेते हुए नई दिल्ली पहुंचेंगे। एक मेमो पास हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो मैं टाइमिंग्स बता रहा था, राजेंद्र नगर से हम निकलेंगे शाम को 7:25 पे और सिर्फ 4 होल्ट लेते हुए नई दिल्ली पहुंचेंगे कल सुबह 7:55 पे। और अगर बात करूँ इस ट्रेन के कोचेस और कॉस्टिंग की तो इस ट्रेन में 1st AC का सिर्फ एक कोच लगता है जिसकी कॉस्ट है 3225। 2nd AC के 2 कोचेस लगते हैं जिसकी कॉस्ट है 1910। 3rd AC के 6 कोचेस लगते हैं जिसमें आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट है 1350। स्लीपर क्लास के 6 कोचेस लगते हैं जिसकी कॉस्ट है 510।
और जनरल के चार कोचेज़ हैं जिसकी कॉस्ट है 305। और हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार भी मौजूद है, तो अगर खाने पीने के लिए कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप पेंट्री कार से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब चलिए बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हमारी इस ट्रेन का लोकोमोटिव। और लोकोमोटिव लगा हुआ है गोमो लोको शेड का WAP-7 यानी वेब 7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी इस ट्रेन को होल्ड करने वाला है। और क्या आप जानते हैं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को एक और नाम से बुलाया जाता है, जो कि है आम आदमी की राजधानी एक्सप्रेस। अब ये क्यों कहा जाता है मैं ड्यूरिंग द ब्लॉग आपको बताऊंगा। इस ट्रेन में ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से इसे आम आदमी की राजधानी कहा जाता है? एक रीज़न तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे ब्लॉग में आगे बढ़ते हुए। ऑलराइट दोस्तों, तो अब वक्त हो चला है राजेंद्र नगर यानी पटना से निकलने का, और अब 1001 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 12 आवर्स 30 मिनट्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप इंजॉय कीजिए राजेंद्र नगर से हमारी संपूर्ण क्रांति का डिपार्चर। और साथ ही ये MEMU ट्रेन भी हमारे साथ पैरेलल रेस लगा रही है, बट पॉसिबल नहीं है कि हम उससे आगे निकले। हो सकता है आगे किसी स्टेशन पे हमें इसे स्किप करें, बट अभी तो ये निकल गई। और राजेंद्र नगर से चलते ही सिर्फ 2 किलोमीटर के बाद आ जाता है पटना जंक्शन, और हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकेगी और अच्छा खासा टाइम रुकेगी। ऑलमोस्ट 10 मिनट का होल्ट यहाँ पे होगा। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है अगर कोई बोर्ड ना कर पाए राजेंद्र नगर टर्मिनल से, तो पटना जंक्शन से बोर्ड कर लें। एक तरीके से राजेंद्र नगर टर्मिनल को इस जंक्शन का लोड कम करने के लिए, लोड डिवाइड करने के लिए ही बनाया गया है। सो वी आर एंटरिंग इन पटना जंक्शन। आप देख सकते हैं राजेंद्र नगर से ज़्यादा पब्लिक वो यहाँ से ही चढ़ने वाली है। तो जैसे मैंने बोला, महज 2 किलोमीटर चलने के बाद हम रुक चुके हैं पटना जंक्शन, स्टेशन कोड PNBE, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1862 में। और इसके पहले इस रेलवे स्टेशन को यानी पटना जंक्शन को एक और नाम से बुलाया जाता था, जो कि है बंकीपुर जंक्शन। तो पटना जंक्शन से पहले इस स्टेशन का नाम बंकीपुर जंक्शन था। यहाँ पर हमारी ट्रेन 10 मिनट रुकेगी, और जैसे मैंने आपको बताया, ये रेलवे स्टेशन बेसिकली बनाया इसीलिए है ताकि जो लोड है, पैसेंजर लोड है, वो थोड़ा सा डिवाइडेड हो जाए पटना जंक्शन से और राजेंद्र नगर टर्मिनल से। इसके अलावा दानापुर भी एक बड़ा जंक्शन है जो कि पटना को सर्व करता है, वहाँ से भी कई सारी ट्रेन है जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम बिहार। और यस, अब हमारा यहाँ पर 10 मिनट हॉल्ट है और एग्जैक्ट टाइम पे ही पहुँचे हैं, तो 10 मिनट रुकने वाली है हमारी ट्रेन और फिर यहाँ से डिपार्ट करेंगे। और अगर सच बताऊँ ना, तो मैं भी पटना जंक्शन से ही इस ट्रेन को बोर्ड करने वाला था, क्योंकि मैं जब आया था तब पटना जंक्शन ही उतरा था। लेकिन फिर अगर सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो क्यों एक ब्लॉक को अधूरा रखा जाए, इस वजह से मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल चला गया, जो कि मेरी टिकट वहीं से थी, राजेंद्र नगर टर्मिनस से ही मैंने बुक की थी। तो मैं राजेंद्र नगर टर्मिनस चला गया और फिर वहाँ से मैंने बोर्ड की और अभी फिर से पटना जंक्शन आया, जस्ट बिकॉज ब्लॉग थोड़ा सा भी अधूरा ना लगे। तो स्केड्यूल्ड होल्ट 10 मिनट का तो नहीं लिया, लेकिन एग्जैक्ट 7:45 पर हमारी ट्रेन ने डिपार्चर जरूर लिया।
तो पटना से निकलने के बाद हमारा जो अगला होल्ट होगा डेट विल बी DDU, तब तक नॉन स्टॉप ये ट्रेन चलने वाली है विथ इसकी जो मैक्स परमिसेबल स्पीड है विच इज़ 130 किलोमीटर पर आवर। ये भाई साहब मत क्या करे, चले तो भाई साहब अब चलते हैं अपने कोच में, बिल्कुल भीड़ देख सकते हैं पूरी पैक है गाड़ी। तो भाई साहब कोविड के बाद अब फाइनली ये सब मिलना स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज माय फर्स्ट जर्नी सिंस बेडशीट और तकिए मिलना शुरू हो चुके हैं। सो थम्स अप, सोना थोड़ा कंफर्टेबल होगा, नहीं मेरे को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिला है कि मुझे दो तकिए मिले हों, ये मिडल बर्थ वाले का है, जब उनको सोना होगा तब वो ले लेंगे, बट गुड कि ये चीज़ अब मिल रही है बिकॉज कोविड के टाइम पे ना सोने में काफ़ी दिक्कत आती थी, बेडशीट ना हो या कंबल आपके पास ना हो एंड दैट टू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एसी कोच। तो अभी रात का वक्त है, दिखाने को बाहर अभी कुछ है नहीं, स्किप्स चलो दिखाऊंगा मैं जो मेजर स्टेशन हम स्किप करेंगे, बट अभी बाहर तो तभी जाऊंगा जब मैं TDU पहुंचेंगे, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर कुछ दिखाने लायक हुआ तो वो आपको दिखाते हैं। सो ये जो बैग है इसमें मिलता है एक टॉवल और साथ में एक बेडशीट जो आप बिछा सकते हो, यहाँ पर लगाएंगे अब अपना बिस्तर और फिर करेंगे तैयारी सोने की। तो जी ये हो गया अपना बिस्तर, तकिया क्या लगा दिया, फर्स्ट टाइम ट्रेन में बिस्तर लगाया है, इट इज़ नॉट लुकिंग सो नाइस बट यस दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो चलता है देखते हैं आज सो के कैसा लगता है, नेक्स्ट टाइम फिर जब ट्रैवल करें तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए आराम करते हैं और कुछ स्किप्स दिखाते हैं आपको। देखा बक्सर का स्किप, अब यहाँ पे देखते हैं संपूर्ण क्रांति की वॉशरूम्स की और ट्रेन की साफ़ सफाई। ट्रेन की साफ़ सफाई का अगर रिव्यू दोनों में, ट्रेन जब चली जब हम निकले तब बिल्कुल क्लीन थी, अभी रात में लोगों ने उसके क्या हाल किए आई डोंट नो, और कोई साफ़ करने आता है या नहीं दैट आई ऑल्सो आई डोंट नो, लेकिन वॉशरूम के जो हालात है वो यहाँ से देख लेते हैं हम कैसे हैं। तो बाहर आपको ये मिल जाएगा वॉश बेसिन जिसमें पानी आ रहा है, सामने एक्सटिंग्विशर है, ऊपर डस्टबिन है। चलिए वॉशरूम देखते हैं। ओके सो ये है इंडियन स्टाइल वॉशरूम, डब्बा यहाँ से बंद नहीं है, हाथ लगा के इसको बंद करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पानी जो है वो आ रहा है, लेकिन एक सिस्टम थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है इस ट्रेन में कि आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो थोड़ी देर तक ये पानी ऐसे ही आता रहेगा, सो दैट कॉज अ वाटर वेस्टेज। और यहाँ पर आपको जो लिक्विड सोप है वो मिल जाएगा, सामने काफ़ी साफ़ सुथरा जो ग्लास है वो है, ऊपर लाइट है, यहाँ सर जो भी फायर अलार्म है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। और ये रहा बायो वैक्यूम वॉशरूम का फ्लश, यहाँ पर आपको जेट स्प्रे और साथ में ये मग भी है। डोर पर लॉक सिस्टम सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दरवाज़ा वरवाज़ा पकड़ के बैठना पड़ेगा। सो यार देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कोच बना है 2022 में, यानी अभी अभी की मैन्युफैक्चरिंग टाइम है इसका, तो टिप टॉप कंडीशन में तो होगा ही, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी ख़राब कर दी है पब्लिक ने,
शायद इसको थोड़े ज़ोर से बंद कर दिया जिस वजह से यहाँ से मुड़ चुका है ये, तो वो बंद नहीं हो रहा डस्टबिन। सो ओवरऑल देखे जाए साफ़ सफाई बहुत सही है, स्लीपर में भी मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट से कि पूरी की पूरी ट्रेन वैसे चल रही होगी, लेकिन हाँ जिस कोच में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो अभी तक तो साफ़ सुथरा है। अगर आगे जाके लोगों ने गंदा किया और साफ़ सफाई अगर कुछ होती है तो आई शो यू, बाकी ओवरऑल साफ़ सुथरी गाड़ी है। आप प्रीफर कर सकते हैं थर्ड एसी में ट्रैवल करना, मैं चाहता था स्लीपर में ट्रैवल करूं, लेकिन आई गॉट ऑप्शन फॉर थर्ड एसी ओनली बिकॉज जैसा आपने देखा ये बिल्कुल ट्रेन पैक चलती है, इसकी ट्रेन की टिकट की जो बुकिंग है वो काफ़ी वक्त से पहले हो जाती है, तो इस वजह से मैं स्लीपर में नहीं मिल पाई मुझे टिकट और मैं थर्ड एसी में भी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी हमने बक्सर का स्किप देख लिया, अभी फ़िलहाल में कोई ऐसा मेजर स्टेशन है नहीं और मेरा अभी फ़िलहाल में थोड़ा है ना GPS काम नहीं कर रहा, जिस वजह से लाइव लोकेशन किसी भी ट्रेन की मैं देख पाऊँ और उसका स्किप ले पाऊँ। तो अब सीधा मैं आपसे मिलता हूँ DDU और वहाँ पर फिर चल के थोड़ी और बातें करते हैं इस ट्रेन के बारे में, DDU के बारे में, और मिलते हैं फिर सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। और हाँ जी, खाने पीने के ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पेंट्री से जो थाली मिल रही है दैट इज़ फॉर 310 रुपीज़, आई गेस ये राजधानी वाली थाली होगी तभी इतना ज़्यादा महंगा ये लोग बेच रहे हैं। मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब मैं पहुँचा था पटना आज सुबह तब मैंने भर भर के लिट्टी चोखा खाए थे और कुछ फ्रूट्स खाए थे जिस वजह से मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, और 310 अकेले इंसान के लिए मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं कर रहा हूँ देने के लिए। बट यस, अगर आप ट्रैवल करते हैं और खाना पीना लेकर नहीं आए हैं तो पेंट्री से आपको एक पूरी थाली मिल जाएगी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होगी, मटर पनीर उन्होंने बताया, साथ साथ में दाल राइस चपाती ये सब चीज़ें, स्वीट भी आपको साथ में मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको 310 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें तो यू कैन प्रीफर दैट, बट अगर घर से लेकर आओ तो बेटर है क्योंकि ये राजधानी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा देना ही पड़े। आई सजेस्ट कि 310 डालने से अच्छा है घर से कुछ खाना लेके आओ। तो खाने पीने के ऑप्शन में ये अवेलेबल है जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए आप मिलते हैं DDU। तो पटना से 213 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी DDU। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1862 में और पहले इसे जाना जाता था एज अ मुगल सराय जंक्शन, और ये फेमस है अपने एशिया के सबसे लंबे मार्शलिंग यार्ड के लिए जो कि 12.5 किलोमीटर यानी 12.5 किलोमीटर लंबा है और एक दिन में कम से कम 1500 जो फ्रेट वैगन्स होती है उसको कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर अभी अगर बात करो हॉल्ट के ड्यूरेशन की तो 10 मिनट के लिए हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है और बिल्कुल ऑन टाइम हम पहुँचे हैं। हमारा जो पहुँचने का सही वक्त था वो था रात को 10:22 का और हम लोग एग्जैक्ट 10:22 DDU पहुँचे हैं। हम इससे पहले भी आ सकते थे लेकिन हमें सिग्नल जो है वो आउटर पर नहीं मिला, तो आउटर पर थोड़ी देर रुकने की वजह से हम लोग लेट हुआ, अदरवाइज़ ये ट्रेन 10:15 से भी पहले यहाँ पे पहुँच सकती थी। सो यहाँ पर अब 10 मिनट का होल्ट है यानी 10:32 पर हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से निकलेगी और नॉन स्टॉप हम चले हैं पटना से DDU तक। तो जैसे मैंने ब्लॉग के शुरुआत में बताया था संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस, जिसके दो रीज़न है। सबसे पहली बात ये कि ये पहली ऐसी नॉन एसी ट्रेन थी जिसको फर्स्ट टाइम LHB कोचेस मिले थे जो LHB कोच के साथ चली थी, और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये फर्स्ट नॉन एसी ट्रेन थी जिसके ऊपर 130 किलोमीटर पर आर पर चलने की परमिशन मिली हुई थी, क्योंकि 130 किलोमीटर पर आर की जो स्पीड है वो राजधानी को ही अलॉटेड हुआ करती थी उस समय में, लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट नॉन एसी ट्रेन जिसको 130 किलोमीटर पर आर पर चलने की परमिशन मिली थी, जो कि अभी तो बहुत रेयर हो गया है। बहुत सारी ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन है जो 130 किलोमीटर पर आर पर चलती है, लेकिन उस समय में जब बाकी सारी ट्रेन्स 110 पर रिस्ट्रिक्टेड हुआ करती थी दिस वॉज द ट्रेन जो 130 किलोमीटर पर आर पर चलती थी।
सो ये तो खास बात है हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मैंने ब्लॉग के शुरुआत में बताया था कि क्यों इस ट्रेन को आम जनता की, आम आदमी की राजधानी कहा जाता है। तो दीज आर दी टू मेन रीजंस। और हाँ, एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इस ट्रेन के हॉल्ट्स काफ़ी कम है, तो पटना यानी राजेंद्र नगर से लेके न्यू दिल्ली के बीच में ये ट्रेन सिर्फ चार जगह रुकती है। पहला पटना, दूसरा हम यहाँ पर जा रुके हैं DDU में, अब हम रुकेंगे मिर्ज़ापुर और फिर कानपुर। कानपुर के बाद ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है टिल न्यू दिल्ली। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिस वजह से इस ट्रेन को इतना स्पेशल कंसिडर किया जाता है। तो अपने तय वक्त से एक मिनट लेट हम लोग DDU से भी अब डिपार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा थर्ड हॉल्ट मिर्ज़ापुर, जिसका स्टेशन कोड है MZP। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1864। अब मिर्ज़ापुर को हम क्यों जानते हैं, सबको पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़। लेकिन मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ में बताया गया था, वैसे ही कालीन के लिए, यहाँ पर जो कारपेट्स बनते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ जो ब्रास के बर्तन होते हैं उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर जो तय समय था, बिल्कुल उसी टाइम पे ऑन टाइम हम लोग मिर्ज़ापुर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। और अगर किसी ने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी है और कोई देखना चाहता है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है, तो ये रहा आपके लिए मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। तो चलिए जी, कालीन भैया के मिर्ज़ापुर से भी हमारा डिपार्चर हो चुका है। बिल्कुल ऑन टाइम हम आ गए थे, 2 मिनट के लिए हमारा होल्ड हुआ और बिल्कुल ऑन टाइम हम मिर्ज़ापुर से भी निकल रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि season 3 के लिए कौन कौन एक्साइटेड है और कौन कौन वेट कर रहा है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं सोने, क्योंकि मिडनाइट आपको एक बहुत ही खास चीज़ दिखानी है और इस ट्रेन के लिए भी वो काफ़ी खास है। तो जब वो होगा आई विल शो यू। तो दोस्तों, जो स्पेशल चीज़ मैं आपको बोल रहा था मिडनाइट का आपको बतानी है, वो ये है कि हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन जैसे बड़े जंक्शन को भी स्किप करती है। तो अभी आने वाला है प्रयागराज जंक्शन, लेकिन उससे पहले आएगा प्रयागराज चिल्की और उसके बाद आएगा नैनी जंक्शन, देन आफ्टर आएगा प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज इतना इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है कि उसके लिए अलग से ट्रेन चलती है और हमारी ट्रेन उस जंक्शन को स्किप करने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये सारे स्किप्स। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं प्रयागराज चिल्की।
और अब प्रयागराज चिल्की के बाद बारी है नैनी जंक्शन की। ये है एक और रीज़न इस ट्रेन को एक राजधानी के बराबर गिनने का। इतना बड़ा जंक्शन और ये ट्रेन बिल्कुल बिंदास इसे स्किप कर रही है। और सामने खड़ी है शिवगंगा एक्सप्रेस जो कि बनारस से नई दिल्ली के बीच में चलती है, वो सामने खड़ी है और हम यहाँ से प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। ये आ गई गरीब रथ एक्सप्रेस। लोकमान्य तिलक, आई गेस जैन नगर की तरफ जाने वाली जो गरीब रथ है वो है ये, बट इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि दैट वी आर स्किपिंग प्रयागराज जंक्शन। दैट टू इन अच्छी खासी स्पीड के साथ। ये यू कैन सी तो ये एक मेजर रीज़न था जिसके लिए मैं अभी तक जग रहा था। अब चलता हूँ मैं सोने, जस्ट बिकॉज आपको दिखाना था प्रयागराज जंक्शन का स्किप, जो कि बहुत कम ट्रेन में हिम्मत है कि इस जंक्शन को स्किप मारे अनटिल अनलेस वो राजधानी ना हो और संपूर्ण क्रांति ना हो। सो अब आएगा कानपुर, जो कि रात को लेट आएगा, 2 बजे के बाद आएगा। तो अगर आँख खुली तो आपको कानपुर दिखाएंगे, अदरवाइज़ फिर देखते हैं मॉर्निंग में किस स्टेशन को स्किप करते हुए आँख खुलती है और आपको कौन से स्टेशन का स्किप देखने को मिलता है या कौन सा क्रॉसिंग देखने को मिलता है। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी का अपडेट ये है कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट चल रही है।
बट अभी फ़िलहाल में हम लोग अलीगढ़ के आसपास हैं और जिस स्पीड से ये चल रही है मुझे लग रहा है कि हम एक घंटा तो लेट नहीं होंगे, लेट होंगे लेकिन 10-15 मिनट लेट न्यू दिल्ली पहुँचेंगे। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं बैक टू बैक कुछ हाई स्पीड स्किप्स और कुछ ट्रेन के साथ हमारा क्रॉसिंग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अलीगढ़ से हमारा स्किप। तो भाई साहब कल रात को जितनी इस ट्रेन की मैंने तारीफ़ कर दी उतनी ही आज ये लेट हो गई है। अभी हम गाज़ियाबाद के आउटर में रुके हैं, मतलब गाज़ियाबाद अभी तक मैं क्रॉस नहीं किया हुआ है और सुबह के अभी बज रहे हैं 8:50। दिल्ली पहुंचने का वक्त था जो ऑफिशियल टाइम था वो था 7:55। तो आप सोच सकते हैं कितना लेट हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा तारीफ़ करना भी कभी कभार अपने पे ही भारी पड़ जाता है। साबरमती का WDG 4 तो फाइनली 1.5 घंटा लेट होने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड NDLS और हमारी 1001 किलोमीटर की जर्नी पटना से यहीं पे ख़त्म होती है। तो होप यू गाइस हैव इंजॉय दिस ब्लॉग। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हो और ऐसे ही ट्रेन के एक्साइटिंग ब्लॉग्स और देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं नई ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे आज ही सिर्फ ये ट्रेन इतना लेट हुई है। यूजुअली ये ट्रेन अपने पंचुअलिटी के लिए काफ़ी जानी जाती है, अपनी प्रायोरिटी के लिए काफ़ी जानी जाती है, लेकिन आज कुछ सही नहीं चला इस ट्रेन के साथ।
क्योंकि कानपुर के बाद से ही हम एक घंटा लेट थे। सो एनीवेज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो मैं आपको जो हैंडल है वो स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और ट्रेन ब्लॉग्स के अपडेट्स सब मिलती रहेगी। तो चलिए अब मैं चलता हूँ स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और ट्रेन जर्नी के एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैशल खान साइनिंग अप फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।